सो हेलो गाइस, जय श्री राम। और सुनाओ क्या हाल चाल। तो जैसा कि तुम थंबनेल देख के समझ गए होगे कि आज मैं रोस्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो ये मेरी पहली रोस्ट वीडियो, तो थोड़ा सपोर्ट करियो। और जिसके ऊपर रोस्ट वीडियो तो भाई बुरा मत मानियो, ठीक है? ये खाली एंटरटेनमेंट के लिए होने वाली है, मतलब मेरी कोई व्यक्तिगत परेशानी नहीं है उससे, ठीक है? तो रील देख लो पहले तुम एक बार ये सारे। नहीं, मतलब दीदी तुम करना क्या चाह रही हो? मतलब कोई बीमारी है मुझे बवासीर है। क्या? मतलब रील बनानी है और करना भी कुछ नहीं है? ये क्या? ये क्या है ये? अरे कैमरा माई तो देखो। चलो कैमरा माई छोड़, ये क्या है ये भाई? मुझे दीदी के स्टेप देख के तो ऐसा लग रहा कि दीदी के खाजा खुजली हो गई है ना? और उन्हें खुजाने का मौका ना मिल रहा, और जैसे वो खुजा रही हैं तो कैमरा मैन ने वो वाली बात होगी, कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ठीक है? तो कैमरामैन ने फोकस मार दिया है, और दीदी मतलब खुजाना भी चाह रही हैं और बताना भी नहीं चाह रही कि हाँ मेरे खाजा खुजली हो रही है। जब मैथ वाले सर एक साथ सरप्राइज टेस्ट के लिए बोल रहे, तब स्टूडेंट का रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है। भाई कसम से, रात में घर के बाहर मत निकल जाइयो, वरना तुझे देख के बालक डर जाएंगे और कुत्ते भौंकने लग जाएंगे। जिन आ गया कि तेज है ना, मतलब आंख ही आंख दिख रही है चेहरे पे दिन में भी, तो सोच रात को क्या होता होगा। मुंह तेरा वैसे ही बंद रहे। भाई साहब, अनाथ बच्चों के खाने का कुछ पैसा दे दो। उनको खाने का पैसा मैं क्यों दूँ? उनके माँ बाप मर गए क्या? माँ बाप होते हुए भी कौन अनाथ होता है भाई ना? मतलब थोड़ा दिमाग पे जोर लगा, क्या कहते इतने सस्ते नशे कर रखे हैं। भाई साहब, बच्चों के खाने के लिए कुछ पैसे दे दो। दिया ना एक बार, चल गया यहाँ से। उसने एक बार पैसे दे दिए बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे, तेरी शक्ल देख के तो फिर भी पैसे मांग रहा है। बस सुधर जा, सुधर जा। भाई साहब आप दे दो। अबे निकल ना, दिया ना उसने। चल ठीक है, उसने दिए, फिर तू क्यों एटीट्यूड दिखा रहा है? ना देना मना कर दे कि दिया ना उसने। अबे वो देगा अपने देगा, तुझे देने देना देने मत दे, उसे क्यों साथ ले रहा है? भाई साहब बना। अरे भाई जा तू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई वो तुझे दे भी ना रहा, उसकी सुन तो ले। गजब बेइज्जती है। ऐसा कैसे चलेगा? पीछे दो लोग ने मना किया, अब तुम भी मना कर गए। अनाथ बच्चे खाएंगे क्या? ऐसा कैसे कोई मना कर सकता है? चल मेरे साथ। क्या कहा? ऐसे कैसे कौन मना कर सकता है? अरे तू भी तो मना कर रहा है मेरे भाई। जब तू मना कर सकता है तो कोई और भी मना कर सकता है। कितना बेरहम इंसान है, एक अनाथ बच्चे का खाने का पैसा नहीं दे सकता। उसने कुछ बताया ना कि वो बंदे थे वो ना थे? तूने जाते ही रैप्टा मार दिया। अगर वो कोई और निकलता जिसने पैसे दे दिए, तेरा क्या हाल होता? पहले उससे पूछ तो सही कौन थे कौन ना है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? तो भाई साहब, अबे बे शर्मा, कुछ तो शर्म करो। जब अनाथ बच्चे को खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? पैदा क्यों कर भाई, इन्होंने थोड़ी पैदा करे। अगर ये पैदा करते ये अनाथ, तो वो अनाथ थोड़ी होते। अब चल, तुझे कैसा पता कि इन्होंने पैदा करे? यार इतनी ज्यादा क्रंज वीडियो क्यों बना रहे हो? मैंने क्यों बना रहे हो, मतलब है क्या? अभी तो तुम इनकी और देखो। ये लो, ये लो। अगर भाई साहब आप पैसा क्यों लेके जा रहे हो? क्योंकि मैं ही अनाथ हूँ। जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं अनाथ बच्चों के लिए हो रहे हैं। तू बच्चा है, अरे कुछ काम कर, ढिल्ला कर, पैसे कमा, और उससे पूछ तो ले वो किस एनजीओ में देगा किस में ना, कि मैं ही अनाथ हूं। अरे अनाथ है तो काम कर। बहुत तेज हो रहे हो हैं। हेलो, हाँ माँ। हाँ माँ, भाभी तो तू अनाथ था,
कौन से अनाथ बच्चों के माँ बाप होते हैं भाई? दे दी है जो माँ जिसे जग कहे। वो पीछे कूदने लग गए। पर तुम्हारा क्या मतलब, उसे पकड़ो, उसे मारो यार। एक तो तुम्हें लूट के जा रहा है, तुम खुद लूट रहे हो, ऊपर से कूद और रहे हो, ये तो बिल्कुल मोए मोए हो गया। तो गाइस बस ऐसी वीडियो देखने के बाद मैं तो जा रहा हूँ 2 किलो जहर खाने, ठीक है? तो तुम मत जाओ जहर खाने, तुम पहले चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और शेयर करो।